हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमें बैटल ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हर रियल्म के कल्टीवेटर्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें डेमन पैलेस, सोल पैलेस और सोल अलायंस भी शामिल होंगे। यहाँ प्रिंसेस भी यांग शू और जिया को कम्पीट करवा रही होती है और दोनों में से जो जीतेगा उसी ही बैटल ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भेजा जाएगा। यहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह यांग शू ने जिया को तो सप्रेस कर लिया होता है, लेकिन अब तक उसने ट्रू स्ट्रेंथ अपनी छुपा के रखी होती है और अब वो अपने असली सोल पेट को समन करता है जो कि एक आइस बीस्ट है। और ये जो आइस बीस्ट है वो एक मोनार्क लेवल का सोल पेट होता है। ये सोल पेट में सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जिया जो होता है अपने सोल पेट आइस बीस्ट को भेज देता है अटैक करने के लिए मॉक्सी पे। यहाँ एक तरफ आइस होती है और दूसरी तरफ फायर होती है। ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। काफी देर तक इनकी इसी तरह से फाइट चलती है, लेकिन वो जो आइस बीस्ट होता है मॉक्सी पे लगातार अपने पंजों से अटैक करता है। अब यहाँ पे लगातार घर्षण होने के कारण मॉक्सी की जो पूरी बॉडी होती है वो फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वो आइस बीस्ट परे हो जाता है। अब आगे वो जो आइस बीस्ट फिर से मॉक्सी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है तो मॉक्सी ने उसे सप्रेस करने के लिए अपने सिक्स टेल के लॉक का इस्तेमाल किया होता है। अपने पूंछ से एक शील्ड बनाकर उसे कैद तो कर लेती है, लेकिन वो जो आइस बीस्ट होता है अपने क्लॉज का इस्तेमाल करके शील्ड को आसानी से तोड़ देता है। आगे जो जिया होता है अपने आइस बीस्ट को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने कोल्ड वाटरफॉल आइस पूल का इस्तेमाल करे। इसी टेक्निक का यूज करने के लिए वो अपने सोल पेट को स्ट्रेंथ देने लगता है। इसका यूज करके वो ऐसे जमीन पे अटैक करता है कि वहाँ पे आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगती हैं। अब ये क्रिस्टल इतने नुकीले होते हैं कि मॉक्सी का यहाँ फायर फ्लेम भी उन क्रिस्टल्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मॉक्सी अपने फ्लेम का यूज करके अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है। अब इधर मॉक्सी भी अपने कमांडर लेवल पे होता है, इसलिए अपने क्लॉज का यूज करके वो लगातार उस आइस बीस्ट पे अटैक करता है, लेकिन वो आइस बीस्ट यहाँ दोबारा से मॉक्सी पे अटैक करता है और ये दोनों एक दूसरे के अटैक करते हुए यहाँ पानी के अंदर गिर जाते हैं। जिसपे जिया यांग शू से कहने लगता है कि अभी भी मौका है, अपने सोल पेट को मरवाना नहीं चाहते हो तो जल्दी हार मान लो, क्योंकि तुम्हारे ये जो सोल पेट है वो मेरे इस आइस बीस्ट के बराबर भी नहीं है। ये उसे कहता है कि तुम्हारे ये जो सोल पेट है वो पानी में दुबक के जा छुपा है, नहीं अपने आप को काबिल समझते हो तो सिकन रॉड में अपने दूसरे सोल पेट को समन करो। इसमें यांग शू से कहता है कि मैं जिन हालात से बच के आया हूँ उसके बारे में तुमने तो सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हें हराने के लिए मेरा पहला ही सोल पेट काफी है, दूसरे सोल पेट की तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कि तभी हम मॉक्सी को उस पानी में से बाहर आता हुआ देखते हैं। आगे वो जो जिया होता है वो अपने सोल पेट से कह रहा होता है कि तुम्हारा ओपोनेंट तो उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, लगता है कि तुम्हें इसे हराने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन अगली बार इसे मारने के लिए तुम अपना डेथ अटैक करना। अब अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो आइस बीस्ट यहाँ मॉक्सी पे अटैक करने को बढ़ता है और वो अपने क्लॉज का इस्तेमाल करके मॉक्सी पे एक ऐसा अटैक करता है कि वहाँ चारों तरफ आइस की एक ट्रांसपेरेंट वॉल क्रिएट हो जाती है। वो जब आइस बीस्ट उसे तोड़ता है तो बहुत सारे आइस क्रिस्टल यहाँ मॉक्सी पे गिर रहे होते हैं, लेकिन इसके सभी अटैक से मॉक्सी अपने आप को आसानी से बचा लेता है और उस आइस बीस्ट को पकड़ने के लिए अपने इविल फ्लेम का वापस से इस्तेमाल करता है। आगे हम देखते हैं कि मॉक्सी ने अपने सिक्स टेल का इस्तेमाल किया होता है उस आइस बीस्ट को जकड़ने के लिए, कि तभी वो जो जिया होता है कि ऐसी ट्रिक का यूज करता है और एक मोनार्क लेवल का ट्रिक होता है जिससे वो जो आइस बीस्ट होता है वो किसी भी सब्सटेंस को आइस स्कल्पचर में बदल सकता है। यहाँ मॉक्सी की टेल उसे छू रही होती है, इसीलिए मॉक्सी की जो छह टेल होती है उसको जमा देता है। अब इससे पहले कि वो मॉक्सी को भी पूरी तरह से जमा दे, यहाँ पे जो यांग शू होता है वो मॉक्सी को यू ऑर्डर देता है कि अपने टेल को वहीं पे गिरा दे और अपनी बॉडी से इसे अलग कर दे। अब ये तो किसी सोल पेट के लिए ऐसा है जैसे उसने अपनी डिग्निटी खो दी हो। यहाँ मॉक्सी अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करता है, ना चाहते हुए उसे अपने टेल्स का यहाँ पे त्याग करना पड़ता है। वो अपने टेल को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता है जिससे उसकी पूंछ क्रिस्टल फॉर्म में होके डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आगे ये मॉक्सी के लिए काफी बुरी फीलिंग होती है, इसलिए यांग शू उसके पास आकर के उसे कंसोल कर रहा होता है। ये देख के जिया उनसे कहने लगता है कि अब क्या हुआ, अब तुम्हारे अंदर तो यहाँ आके फाइट करने की डिग्निटी ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ पे हार मान लो। अब आगे यांग शू और मॉक्सी यहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसमें मॉक्सी को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जिसमें उसने इतनी कड़ी मेहनत करके अपने आप को इवॉल्व किया था, तो उसने अपनी ये सिक्स टेल गेन किए होते हैं। लेकिन यहाँ मॉक्सी के हर एक बात को यांग शू समझ चुका होता है, उसे ये कहते हुए ऑल द बेस्ट कहता है कि जब तुम यही करना चाहते हो मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोकूंगा।
अब आगे यांगशु पीछे हट जाता है और हम मॉक्सी को फिर से लेवल अप करता हुआ देखते हैं। उसने अपनी डिग्निटी खोई होती है और इसका दुख उसे सबसे ज्यादा होता है और इसी पीड़ा ने उसके अंदर के आक्रोश को इतना ज्यादा बढ़ा दिया होता है कि उसका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगता है। और हम देखते हैं कि अब एक जोरदार दहाड़ के साथ मॉक्सी ने अपने टेल्स को वापस से रिगेन कर लिया होता है और अब की बार उसके 6 नहीं बल्कि 9 टेल आ चुके होते हैं और ये 9 टेल ही मॉक्सी का ट्रू फॉर्म है, जिसे देख करके तो उस जिया के भी हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। इस मोलनेक्ड फॉक्स का तो इतनी जल्दी इवॉल्यूशन होना काफी ज्यादा नामुमकिन है, आखिरकार इसने ऐसा कैसे कर दिया। आगे यांगशु जो होता है वो मॉक्सी से कह रहा होता है कि अब सही वक्त आ चुका है, मैं अपनी डिग्निटी इनसे वापस लेनी है। अब आगे अपना बदला लेने के लिए मॉक्सी कुछ ऐसा करता है जिसे देख करके हम दंग रह जाते हैं और OMG ये सबसे ज्यादा भयानक मूव होता है। यहाँ प्लग झपकने से भी कम टाइम में मॉक्सी इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस आइस बीस्ट को लेकर के ऊपर चला जाता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है। आगे वो अपने 9 टेल से उस आइस बीस्ट को कैद करता हुआ इतनी ऊंचाई पे पहुंच के उसे नीचे गिराता है कि वो आइस बीस्ट तो जमीन पे गिरने से पहले ही हवा में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ वो जो जिया होता है उसके हाथ से तो ये आखिरी मौका भी जा चुका होता है। यहाँ वो पछतावे में रोने लगता है, चीखते चिल्लाते हुए यहाँ कहने लगता है कि उसका सोल पेट भी मारा गया, साथ ही बैटल ऑफ वर्ल्ड में जाने का जो आखिरी मौका था वो भी खत्म हुआ। आगे मोक्ष जो होता है उसकी भी जान लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे यांगशु काफी ज्यादा दयालु निकलता है, मॉक्सी को ऑर्डर देता है कि वो ऐसा ना करे। मॉक्सी इसे छोड़ देता है और फाइनली यहाँ जो एल्डर होता है वो ये अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन का विजेता ये 9 टेल वाला मूनलाइट फॉक्सी है, जिस पे यांगशु से कहता है कि ये 9 टेल का मूनलाइट फॉक्स नहीं बल्कि एक 9 टेल का ड्रैगन गैंगस्टर है। अब आगे यांगशु मॉक्सी को इस जीत के लिए अप्रिशिएट कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी डर था। मॉक्सी के इस 9 टेल वाले म्यूटेशन को यहाँ सभी ने देख लिया है और कहीं ना कहीं उस लॉर्ड जिया का भी गुप्चर यहाँ पे जरूर होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी उस तक जल्द ही पहुँच जाएगी। अब आगे यहाँ यांगशु जो सोच रहा होता है वो बिल्कुल सही निकलता है। प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने वाला जो गार्ड होता है वही उस लॉर्ड जिया का जासूस होता है। जाता है लॉर्ड जिया के पास और उसे बताता है। लॉर्ड जिया ने उसे जो टास्क दिया था वो नहीं कर पाया। आगे लॉर्ड जिया उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये ऑर्डर दिया था कि तुम दिन रात उस यांगशु पे नजर रखो, तो आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। जिस पे वो जासूस उसे कहता है कि मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट खबर बतानी है, यांगशु ने सबसे पहले उस लॉबिन को मार डाला है। जिस पे वो लॉर्ड जिया जो होता है वो अपने जासूस को ये ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द यांगशु की फैमिली जहाँ भी है फोर्सफुली मेरे इलाके में लेकर के आओ, उसकी फैमिली का एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए, सबको अरेस्ट करके ले आओ। इस पे वो जासूस उसे बताता है कि वो ये भी नहीं कर सका, जब वो उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए उसके मैंशन में गया था वो सारे लोग वहाँ से पहले ही भाग चुके थे। ये सुनते ही वो लॉर्ड जिया यहाँ बौखला जाता है और अपने ही जासूस को यहाँ मारता है और उसे कहता है कि तुम जैसे वेस्ट को पालना मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और तुम जैसे ही लोगों के कारण मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ेगी। जिस पर वो जो जासूस होता है इतने में नहीं रखता, वो माफ़ी मांग करके एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा होता है और वो बात ये होती है कि यांगशु का जो सोल पेट मॉक्सी है वो अपने आप को इवॉल्व कर चुका होता है और 6 टेल डेमन फॉक्स से एक 9 टेल का फ्लेम फॉक्स बन चुका होता है जो कि ड्रैगन गैंगस्टर लेवल का है। अब ये सुनते ही वो जो लॉर्ड जिया होता है वो अपने ही बंदे को आड़े हाथ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी आखिर ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आकर के मेरे ही दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। और इससे पहले कि वो अपने ही बंदे को मार डालता ये एपिसोड यहीं फिनिश किया जाता है। तो गाइज आप लोगों को मेरा तो रिक्वेस्ट याद होगा कि अगर इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द चाहिए, आप लोगों को इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरा करना होगा जो कि 2K है, अतः मुझे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए और जितनी ज्यादा ये टारगेट हमारी पूरी होगी इसका नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी आएगा। तो इसे देखना ना भूले, हमारे ही चैनल पे बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।